नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ इस वक्त नेशनल खबर 9 पर फारूक अब्दुल्ला। आज हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। खबर सुपौल से, जहां सदर बाजार के पिपरा रोड स्थित ममता नर्सिंग होम के समीप सड़क जाम कर मरीज के परिजनों ने हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल परिजनों का आरोप था कि कहीरों की रहने वाली महिला को प्रसव पीड़ा के बाद ममता नर्सिंग होम में 5 दिन पहले भर्ती किया गया था, जिसके बाद नर्सिंग होम में उसका सीजेरियन किया गया जिसमें बच्चा मृत था। इस बीच नर्सिंग होम में कल जब मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी तो मरीज के परिजनों ने उसे सहरसा लेकर एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहाँ सहरसा में महिला मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के परिजन लाश को लेकर सुपौल सदर बाजार आकर ममता नर्सिंग होम के सामने प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि ममता नर्सिंग होम में ही गलत ऑपरेशन के कारण मरीज की तबीयत बिगड़ी और सहरसा जाते जाते मरीज की मौत हो गई, लिहाजा मृतका के परिजन ने सुपौल सदर बाजार स्थित ममता नर्सिंग होम के सामने जमकर प्रदर्शन किया और करीब 3 घंटे तक सड़क जाम किया। वहीं दूसरी ओर ममता नर्सिंग होम के संचालिका शांति देवी का कहना है कि मरीज का ऑपरेशन उनके नर्सिंग होम में ठीक ठाक हुआ है। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति ठीक ठाक थी, वो चल फिर रही थी, लेकिन बिना किसी कारण के मरीज को जबरन उसके परिजन सहरसा लेकर चले गए, जिसके चलते मरीज की मौत हुई है, जिसके बाद BDO और थानाध्यक्ष के पहल से जाम को हटाया गया। इसको पहला डिलीवरी था ये जो है, तो एक दिन वहाँ रही है सविता के, अभी 3 बजे रात में जो है ना वो बोल दी कि नॉर्मल नहीं हो पाएगा, तब इसको यहाँ लेके आया गया महिले सब की साथ में। यहाँ ये सुबह में है, ये ममता नर्सिंग होम है, ये बोली सुबह में कि यहाँ पर जो है ना डॉक्टर मणिभूषण आके इसका ऑपरेशन करेगा, तो उस पर हुआ सब सबको महिला सबको कि भाई डॉक्टर मणिभूषण आएगा तो वो अच्छा, लेकिन डॉक्टर मणिभूषण नहीं आया। अभी किसको मंगा के ऑपरेशन करवा दी, इसका पेट फलवा दी, हाँ कि बस इसका बच्चादानी आती, बच्चा तो गया ही, पेशेंट तो चला, बच्चा और बच्चे की माँ दोनों डेथ कर गए, दोनों डेथ। पेशेंट मेरे पास आई, पेशेंट मेरे पास आई, 3 बजे सुबह में आई, हमको जगाई तो हम जगे, हम बोले अभी मैडम नहीं आ सकते हैं, सुबह ही में होगा, तो बोले ठीक है अपना देखो, हमको नॉर्मल का चांस नहीं है, डॉपलर से देखे तो बच्चा का साउंड नहीं मिल रहा था, तो बोले कि ठीक है आप बच्चा से तो हम संतुष्ट मान लिए है, तो हमको पेशेंट को बचा दीजिए। मैडम को बुलाए, हम ऑपरेशन करवाए, ठीक ठाक रहा, जैसे कि बाथरूम गई, लेटरिन गई, ब्रश की, पेशेंट नाश्ता उस्ता कर ली, पेशेंट वाला बोला हम संतुष्ट नहीं है, हमको और डॉक्टर चाहिए, ठाकुर प्रसाद को बुलाए, नाजिर सर को बुलाए, और जैसे जैसे डॉक्टर को फरमाइश दिया हम बुला के उसको दिखा दिए, बोले नहीं हम बाहर ले जा सकते, हम बोले ठीक है आने दीजिए मैडम को, जो पैसा है हमको हिसाब बारी कर दीजिए, आप ले जा सकते हैं पेशेंट को, मेरी तरफ से कोई अपावर नहीं है, तो बोले ठीक है मैडम का इंतजार हम नहीं कर सकते हैं, मेरा मन है हम ले जा सकते हैं पेशेंट, हम बोले आने दीजिए रेफर दिखवा देते आपका फायदा होगा। तीन ही रोज में पेशेंट को लेकर के एम्बुलेंस लगा के निकल गया, तो हम मैडम से कैसे हम उसको रेफर करवा सकते, मौका देता तब ना हम लिखवाते। अभी इसके लिए जांच किया जाए, इसके लिए हमसे सक्षम है, आप जांच किया जाए, इसके लिए जांच करवाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शांति देवी, हम वार्ड पार्षद है, वार्ड नंबर 5 का। आपके द्वारा ये संचालित? गश्ती में निकले थे, सूचना मिली, हम आए हैं यहाँ, हमको सभी जानकारी आप ही लोग के माध्यम से हुआ कि यहाँ पहले एडमिट कराया गया था, ओकरा बाद ही लोग लेकर के चल गलती से दूसरे महिला के यहाँ सहरसा नर्सिंग होम है ना, उसी में था, फिर वहाँ से लोग से नहीं संभरा, तो फिर बोले जो गलत ऑपरेशन हुआ सामने गलत ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन सर की जा रही है, क्या कार्रवाई की जा रही है इनका? आप लोग मामला संज्ञान में आए, जाँच उपरांत बताया जा सकता है किसके गलती के कारण यह डेथ हुई है, जांच का विषय है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। हेलो, आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे और भी ऐसी ही इन तमाम खबरों के लिए बने रहें नेशनल खबर 9 पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।